धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स पहुंचे मतदान केंद्र और वोट भी कास्ट करें। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और कांग्रेस पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है कि रामद्रोही को गोद में उठाए घूम रहे राहुल गांधी की पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर एफिडेविट दिए थे कि राम काल्पनिक है, पर ये जानते नहीं थे कि मोदी आएंगे और आज राम मंदिर कानून के अनुसार बनवाएंगे। रामद्रोहियों को संदेश साफ है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो कन्हैया कुमार पर वीरेंद्र सचदेवा का वार। जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों, सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। तो देखिए, ये जो वीडियो सामने आई, इसी वीडियो के जवाब पर ये पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस पे पलटवार आया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। और अब आपको कन्हैया कुमार का राम मंदिर को लेकर वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर वार किया है। पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों, सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। तो सुना आपने क्या कहना था कन्हैया कुमार का। हालांकि देश में सियासी तौर पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जो आबादी और लोकसभा सीट दोनों ही लिहाज से है, और ऐसे में काफी ज्यादा राम मंदिर का मुद्दा जो है अब वो चर्चा में आ गया है। बिल्कुल, और फिलहाल आप लगातार देखते रहे न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़, और अभी जो वोटिंग प्रतिशत है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। राम मंदिर का मुद्दा तो अंशिका इस बार पूरा गरमाया रहा है और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने खूब उठाया है और विपक्ष इसमें घिरा भी बहुत है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था उसके बाद उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो उतार चढ़ाव होंगे अन्य राजनीतिक पार्टियों के, वो शायद ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आज छठवां चरण है और छठवें चरण के दौरान क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे ही, साथ ही आपको अलग अलग वोट की कसरत। देखिए, अब ये कपिल देव पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए और हो सकता है मीडिया से रूबरू भी हो। जस्ट कास्ट योर वोट, हाउ लकी डू यू फील टू बी पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, यू एंड मैम आल्सो इफ यू कैन। आई फील वेरी हैप्पी कि एट लीस्ट वी आर अंडर द डेमोक्रेसी। What is the one message that you want to give to the people who are going to vote for the first time? Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. The right people will come, always country will go in. इस बीच बेमित्रा से खबर आ रही है, बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में